गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर प्रोविजनल आईटीसी आप कब ले पाएंगे जीएसटी की न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर, जो कि 1 अप्रैल 2020 से इंप्लीमेंट होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी न्यू रिटर्न के अंदर प्रोविजनल आईटीसी कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जीएसटी न्यू रिटर्न जो कि इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2020 से, उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है आपको नई देखने को मिलेंगी। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई इनवॉइस है और वो आपके एनेक्सर 2 में नहीं आ रहा, यानी कि आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस को अपलोड नहीं किया है, तो उस इनवॉइस का क्रेडिट आप प्रोविजनली ले पाएंगे। क्या प्रोसेस है, किस सिचुएशन में मिलेगा, उसका डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको जीएसटी न्यू रिटर्न को सीखना है, कैसे फाइल करना है, इससे रिलेटेड कोर्स करना है, तो आप क्लियर टैक्स का न्यू रिटर्न फाइलिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसका साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब ये मैंने ओपन करा है जीएसटी न्यू रिटर्न के प्रोफाइलिंग सेक्शन को। यहाँ पे काफी लोगों को क्वेरी है और काफी लोगों को कंफ्यूजन भी है। अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और अगर हम लोग क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, तो क्या हम लोग प्रोविजनल आईटीसी क्लेम कर पाएंगे या नहीं, सहज रिटर्न भरते हैं तो कर पाएंगे या नहीं, और सुगम रिटर्न भरते हैं तो हम लोग को आईटीसी जो है प्रोविजनली दिया जाएगा या नहीं, इसका सवाल आज आपको मैं बताने वाला हूं कि छोटे व्यापारी को प्रोविजनल आईटीसी कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, जब आप अपनी प्रोफाइलिंग करेंगे जीएसटी न्यू रिटर्न के अंदर, तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, वाज योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज अप टू ₹5 करोड़। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम था। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको प्रोविजनल आईटीसी मिलेगा, क्योंकि आप मैंडेटरी जीएसटी RET1 मंथली ही फाइल करेंगे, कंफ्यूजन क्वार्टरली के केस में है। यहां पर मैंने इसको कर दिया है यस। अब इसके बाद इफ या रिप्लाई टू द सीरियल नंबर 1 इज यस, डू यू इंटेंड टू फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। अगर हमारा 5 करोड़ से कम है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्वार्टरली फाइल कर ले रिटर्न, या हम मंथली फाइल करें। अगर हम लोग 5 करोड़ से कम के बावजूद भी मंथली फाइल करते हैं, तो मंथली वालों के लिए कोई सवाल नहीं है, आपको प्रोविजनल आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चूज करते हैं कि हम लोगों को क्वार्टरली फाइल करना है, तो प्रोविजनल आईटीसी किस किस सिचुएशन में दिया जाएगा। अगर हम लोग क्वार्टरली करते हैं फाइलिंग, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, सहज रिटर्न, सुगम रिटर्न एंड क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न। अब मैं आपको दिखाता हूं जो सहज रिटर्न का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया। बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें बताया गया है कि सहज रिटर्न आप कब फाइल कर सकते हैं। तो सहज रिटर्न में भी सिलेक्टेड, यानी कि सहज रिटर्न आप कब सिलेक्ट करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम है एंड मेक सप्लाइज ओनली टू द कंज्यूमर्स, रजिस्टर्ड पर्संस और अनरजिस्टर्ड पर्संस। यहां पर आपका जो है सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर सेल होना चाहिए और अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही सेल होना चाहिए। यहां पर जो रजिस्टर्ड पर्सन लिखा गया है, ये गलत है। रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सेल करेंगे तो आप सहज रिटर्न नहीं सिलेक्ट कर सकते, सिर्फ और सिर्फ B2C की रिटर्न के लिए ही आप सहज सिलेक्शन करेंगे। और हैव इनवर्ड सप्लाईज, जो कि आप RCM के अंदर लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि B2C सप्लाई और आपका RCM सप्लाई होगा, तब आप सहज रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप सहज रिटर्न लेंगे तो आपके ऊपर क्या बंदिशें रहेंगी, सबसे पहले आपको जो टैक्स है वो मंथली पेमेंट करना है, और मंथली पेमेंट कैसे होगा, PMT 08 के फॉर्म से किया जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको अपलोड करना है, और प्रोविजनल आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, मिसिंग इनवॉइसेस। अगर आप सहज रिटर्न लेते हैं तो आप प्रोविजनल आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, और आपको जो रिटर्न है वो क्वार्टरली बेसिस पे RET2 जो है वो भरना पड़ेगा, जो कि हमारा सहज का रिटर्न है। अब आते हैं सुगम रिटर्न के अंदर। सुगम रिटर्न आप कब फाइल कर पाएंगे, सुगम रिटर्न आप फाइल कर पाएंगे जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, आपके पास B2C के साथ B2B का टर्नओवर भी है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर और कोई भी सेल होगा तो वो आप सुगम रिटर्न के अंदर नहीं डाल पाएंगे। और तीसरा, जो आपके पास
आरसीएम के लाइबिलिटी वाला अगर कोई है तो वो भी आप उसमें दिखला सकते हैं। आपको पीएमटी 08 से फाइल करना है सारा टैक्स पेमेंट। आपको प्रोविजनल आईटीसी सुगम में भी नहीं मिलेगा और आरईटी 3 रिटर्न आपको क्वार्टरली जो है वो फाइल करनी है। ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसके अंदर कुछ इनहेरेंट डिफॉल्ट है, कुछ गलती है जिसको पढ़ने के बाद लोगों को कंफ्यूजन जो है आ रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो हमारा क्वार्टरली रिटर्न है। जब आप क्वार्टरली रिटर्न देखेंगे तो यहां पर भी इन्होंने लिख दिया है कि आईटीसी जो है प्रोविजनली नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर क्वार्टरली आरईटी 1 में जाते हैं तो आपको जो है प्रोविजनल आईटीसी दिया जाएगा, आप प्रोविजनल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये चीजें गलत इसमें हो सकती है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ करके। ये चीजें प्रूफ कैसे होंगी, ये चीजें मैं प्रूफ करने वाला हूं। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे इफ यू नीड हेल्प टू सिलेक्ट योर रिटर्न क्लिक हियर। यहां पे आपसे आपके तरीके का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस पूछा जाएगा। अकॉर्डिंगली पोर्टल खुद बताएगा कि आप सुगम रिटर्न में जा सकते हैं, सहज रिटर्न में जा सकते हैं या क्वार्टरली में जा सकते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया कि हमारा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है और हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे क्वार्टरली बेसिस, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर है। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब यहां पे हम लोगों से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम लोग डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगा करके देखेंगे कि हमारे लिए पोर्टल कौन सा रिटर्न जो है प्रेस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि डू यू मेक आउटवर्ड सप्लाईज, B2C का हम लोग करते हैं सप्लाईज और हमारे पास प्रोविजनल आईटीसी भी क्लेम करना है, तो क्या हम लोगों के लिए सहज है, सुगम है या क्वार्टरली आरईटी 1 का फॉर्म है, वो अभी हम लोगों को पता लग जाएगा। जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यू हैव सिलेक्टेड टू फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी एंड द सजेस्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स इज क्वार्टरली नॉर्मल। ये क्वार्टरली नॉर्मल क्यों आया, क्वार्टरली नॉर्मल इसीलिए आया क्योंकि हमने यहां पर करा है प्रोविजनल आईटीसी का, आईटीसी हम लोगों को क्लेम करना है। अगर मैं इसे डीसिलेक्ट करूं और डीसिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे B2C के लिए जो मैंने आपको बताया था कि सहज रिटर्न है तो ऑटोमेटिकली ये बताएगा यू हैव सिलेक्टेड टू फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी एंड द सजेस्टेड रिटर्न ऑन योर रिस्पॉन्स इज सहज। यानी कि जो चीजें वहां बताई जा रही हैं डिस्क्रिप्शन में वो गलत हैं, जबकि जो एक्चुअल जो चीजें बताई गई हैं न्यू रिटर्न के प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में वो यहां पर दिखाया जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं B2B का इनवॉइस भी सिलेक्ट कर लेता हूं, B2C और B2B अगर दोनों ट्रांजैक्शन हमारे पास है तो कौन सा रिटर्न हम लोग फाइल कर पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन द रिटर्न हैज बीन सजेस्टेड एज सुगम, यानी कि B2C और B2B दोनों का ट्रांजैक्शन है तो हमारे लिए सुगम रिटर्न जो है वो फाइल करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास B2C B2B के अलावा अदर एक्सपोर्ट्स, ये डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाइज टू SEZ भी है, अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिटर्न आएंगी वो आएंगी क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न। मतलब क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न अगर आप भरेंगे तो आपके पास सारा ऑप्शन रहेगा रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन अगर आप सहज या सुगम करते हैं तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रहेगा। लिमिटेड ऑप्शन या तो B2C या B2B, और इन दोनों के अलावा आप सिंपली RCM की लाइबिलिटी वाली जो चीजें हैं वो आप डिक्लेयर कर पाएंगे। इसके अलावा सहज और सुगम में कोई अनेबल फीचर्स आपको नहीं दिया जाएगा, इसके अंदर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ B2C का ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ B2B का ट्रांजैक्शन है तो आप देखेंगे हमारे पास सुगम का रिटर्न जो है वो दिया गया है। अगर हमारे पास इंपोर्ट भी है B2B के साथ तो हमारे को क्वार्टरली नॉर्मल भरना है, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर रिवर्स चार्ज का पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है क्योंकि काफी लोगों को ये कंफ्यूजन आ रहा है कि प्रोविजनल आईटीसी नए रिटर्न के अंदर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे प्रोफाइलिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। अब यहां पे मैंने यहां पर सबमिट किया है अगर प्रोविजनल आईटीसी को क्लेम करने के लिए और B2B, तो हमारे पास क्वार्टरली नॉर्मल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो गया है। इसे हम लोग यस कर देंगे तो हमारे पास जो है क्वार्टरली का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा और हमारा रिटर्न जो है अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। तो GST की न्यू रिटर्न्स जो कि 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट होने वाली है बहुत ही जरूरी है समझना आपको अभी, नहीं तो आगे चल के बहुत ज्यादा गलतियां जो है इसके अंदर होने के चांसेस निकल के आ रहे हैं। अगर आपको GST न्यू रिटर्न या GST की किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जाके कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको कोशिश करेगी 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करने का।
अगर आप इंस्टेंटली रिप्लाई चाहते हैं कॉल पे, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें संपर्क कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी की जो न्यू रिटर्न्स हैं उसके अंदर प्रोविजनल आईटीसी किसको मिलेगा और कब मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।